नमस्कार, BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूं। 24/11 को हुए आतंकी हमले के बाद आज के दिन यानी 29 नवंबर 2008 में 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मुंबई को आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। इस हमले में करीब 160 लोगों की जान गई थी, जब से 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। देश की वाणिज्य राजधानी मुंबई पर आतंकवादी हमले की काली छाया आखिरकार 29 नवंबर 2008 को उस समय हटी जब NSG कमांडो दस्ते ने ताज होटल को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया और कई घंटे से आतंकी पाश में बंदी मुंबई को राहत मिली। आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 की रात को महानगर में कई जगह हमले किए और कई विदेशियों सहित बहुत से लोगों को बंधक बना लिया। इस दौरान 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 3 दिन तक जैसे पूरे देश में आतंक का अंधेरा छाया रहा और देश के कई जाबाज सपूतों ने अपनी जान पर खेलकर इस अंधेरे का खात्मा किया। सेना, मरीन कमांडो और NCG कमांडो की कोशिशों से हमलावर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। बता दें कि पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने साल 2008 में 26 नवंबर के दिन मुंबई को गोलीबारी और बम धमाकों से दहला दिया था। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मराठी फिल्मों में सफलतम एक्ट्रेस में शुमार अभिनेत्रियों में से एक नेहा पेंसे का आज के दिन 29 नवंबर 1984 को जन्म हुआ। नेहा एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काम किया है। नेहा ने मराठी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी काम किया है। नेहा पेंसे का 29 नवंबर 1984 को मुंबई में जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम शुभांगी पेंसे है। नेहा ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपने पिता के बारे में बात नहीं की है, इसलिए अभी तक उनके पिता का नाम गुप्त है। नेहा ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई यानी अपने होम टाउन से ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने की सोची। नेहा पेंसे ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। सबसे पहले नेहा साल 1999 में आई फिल्म प्यार कोई खेल नहीं में दिखाई दी थी। उस समय नेहा मात्र 15 साल की थी। इस फिल्म के बाद नेहा दाग, द फायर, दीवानी, तुमसे अच्छा कोई नहीं और देवदास में काम किया। इसी दौरान उन्होंने सोंथम नाम की तेलुगु फिल्म भी की थी। नेहा ने फिल्मों के साथ साथ टीवी की दुनिया में काफी हाथ आजमाया है। नेहा ने काफी कम उम्र में ही टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था। 90s में वह कैप्टन हाउस, पड़ोसन जैसी हिट शो में काम कर चुकी है, लेकिन उन्हें टीवी पर पहली प्रसिद्धि जी मराठी पर आने वाले शो भाग्य लक्ष्मी से मिली। इसके अलावा उन्होंने लाइफ ओके पर आने वाले हिंदी शो मे आई कम इन मैडम में संजना का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। नेहा की इस शो से जुड़ी हुई एक रोचक बात यह है कि जब इस शो के लिए नेहा को साइन किया जा रहा था, तब नेहा का वजन काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन किरदार के अनुसार उनका रोल काफी ग्लैमरस होने वाला था, इसलिए नेहा को मेकर्स ने हिदायत दी थी कि यदि वह 6 महीने के अंदर अपना वजन नहीं घटाती है तो उन्हें इस शो से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद नेहा रोजाना 2 घंटे पोल डांस और योगा करती रही और यह शो अपने नाम कर लिया। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को GRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले लाइसेंसी पायलट और देश में पहली कमर्शियल एयरलाइन की नींव रखने वाले उद्योगपति दशकों तक टाटा ग्रुप के निदेशक रहे। इन्होंने इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुमान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। आज के दिन 1993 को उनका निधन हुआ था। GRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतनजी दादा भाई टाटा व माता सुजैन ब्रियर की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी देश के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए उनका ज्यादातर बचपन वक्त फ्रांस में ही बीता।
और फ्रेंच उनकी पहली भाषा बन गई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कोनन स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में एक वर्ष का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और सेना में कार्य करते रहना चाहते थे, पर उनके पिता की इच्छा कुछ और थी, इसलिए उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। 1925 में बतौर इंटर्न टाटा एंड सन्स में काम शुरू किया। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और लगन से 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 14 उद्योगों के साथ समूह के नेतृत्व की शुरुआत की थी और जब 26 जुलाई 1988 को उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, तब तक टाटा समूह 95 उद्यमों का एक विशाल समूह बन चुका था। उन्होंने कई दशकों तक स्टील, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, रसायन के क्षेत्र में टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन किया। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के साथ साथ उन्हें उच्च नैतिक मानकों के लिए और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता है। इनमें से कई कार्यक्रमों को भारत सरकार ने बाद में कानून के तौर पर लागू किया। उन्हें वर्ष 1997 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।